हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों, हम अमाइंस में आगे बढ़ते हुए आज स्टार्ट करेंगे अमाइंस के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। ठीक है, अमाइंस के भौतिक गुण में हम पढ़ेंगे उनकी भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी, उनका कलर, उनका स्मेल, उनका सॉल्युबिलिटी, जल में विलयता और उनके क्वथनांक। ठीक है, तो स्टार्ट करें फटाफट। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। तो बच्चों, अमाइन के भौतिक गुण में पहला, अमाइन भौतिक अवस्था और गंध। तो निम्नतर एलिफेटिक अमाइन की गंध, मतलब लोअर अमाइन्स लाइक मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, तो बच्चों इनकी स्मेल कैसी होती? तो हम कहेंगे लोअर अमाइन की स्मेल जो है वो होती फिश लाइक, है ना, मछली जैसी गंध होती है। ठीक है, अब तीन कार्बन तक वाली अमाइन, तो बच्चों लोअर अमाइन्स है ना, अगर कार्बन संख्या तीन है तो आप समझे, अगर कार्बन संख्या तीन है, क्या बोलेंगे, वेट कम है, तो हम कहेंगे शुरू शुरू में गैस होते हैं, फिर लिक्विड होते हैं, आफ्टर दैट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। पहला हमारे पास है निम्नतर एलिफेटिक अमाइन, तो इनकी गंध कैसी होती है? तो हम कहेंगे फिश लाइक स्मेल होती है, मछली जैसी गंध होती है, फिश लाइक स्मेल होती है ना, मछली जैसी गंध होती है। ठीक, कुछ हमारे से अमोनिया जैसे स्मेल भी आती है, लेकिन बाकी उसमें से फिश जैसे स्मेल आती है। अब तीन कार्बन तक की अमाइन, तो बच्चों ये तो लोअर अमाइन से, अब लोअर अमाइन से तो मुझे देख के बता सकते हो, है ना, तो हम कहेंगे शुरू वाले जो अमाइन से तीन कार्बन तक के वो लिक्विड, और उसके बाद में तो वेट बढ़ता जाएगा, तो हम कहेंगे उसके बाद में वो ठोस हो जाएंगे। तो अब इसको भी फिल करो, तो तीन या ज्यादा कार्बन भी अगर हम ले लें तो पहले तो लिक्विड होंगे, और बहुत हायर्स की बात करें तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, उच्चतर अमाइन जो है वो ठोस होते हैं। क्लियर? तो भौतिक अवस्था सबको क्लियर है, गंध क्लियर है। ठीक है, अब बच्चों कुछ अमाइंस की अगर मैं बात करूं, लाइक एनिलीन की बात करूं, एरोमेटिक अमाइंस की बात करूं, तो वैसे तो वो कलरलेस है ना, एनिलीन है, एरोमेटिक अमाइन है, उनमें कोई कलर नहीं होता, रंगहीन होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम उनको स्टोर करते हैं, है ना, पैक करके रखते हैं, सप्लाई करने के लिए भेजते हैं, तो ऑक्सीजन मिल ही जाती, थोड़ा सा भी अगर बॉटल खोला तो एयर के कॉन्टैक्ट में आ गए, अब वायु के संपर्क में आते ही वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते और ऑक्सीडेशन पे उनका कलर कुछ ना कुछ आ जाता है, कलरलेस नहीं रहते, कोई ना कोई कलर उनके अंदर आ ही जाता है। तो ये प्रॉब्लम जनरली रहती है एनिलीन और एराइल अमाइंस की। तो एनिलीन और अदर एराइल अमाइंस जो है वैसे तो कलरलेस होते हैं, लेकिन जब इनको स्टोर करते हैं, भंडारण करते हैं, तो ये वायु की ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और रंगीन हो जाते हैं, कलर्ड हो जाते हैं। क्लियर? तो ये था अमाइन का फिजिकल स्टेट हो गया, भौतिक अवस्था हो गया, विद्रव कौन है, है ना, ठोस कौन है, और उसके बाद में अगर हम बात करें कलर की, तो कलर आपको पता चल गया, स्मेल पता चल गया। आगे बढ़े तो नेक्स्ट है बच्चों सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब सॉल्युबिलिटी देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, देखो अमाइंस की सॉल्युबिलिटी की बात करें तो मुझे बताओ, अमाइन में नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन तो हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दो तरीके हैं इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के, नाइट्रोजन नेगेटिव क्यों? तो बच्चों नाइट्रोजन थर्ड हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व, तो बताओ, तो तुम कहोगे फोनकल, F, O, N और Cl, सर्वाधिक विद्युत ऋणी फ्लोरीन है, सेकेंड हाईएस्ट ऑक्सीजन है, आफ्टर दैट नाइट्रोजन क्लोरीन लगभग बराबर है, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन विद्युत ऋणी है ना। और पानी में घोलना है तो पानी होता है HOH, तो यहां पे भी ऑक्सीजन नेगेटिव, और ये तो बच्चे पानी में एक्टिव हाइड्रोजन है और यहाँ विद्युत ऋणी तत्व है, तो इनके बीच में आकर्षण रहेगा, इस आकर्षण को बोलते हैं अंतरणु हाइड्रोजन बल। अब ये ऑक्सीजन है तो हम कहेंगे अमाइन में भी एक्टिव हाइड्रोजन है, उसमें क्या दिक्कत है ना, तो यहां की वजह से भी क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। ठीक, और फिर चलते हैं तो हम कहेंगे वाटर। तो भाई इतना तो क्लियर है, इतना तो क्लियर है कि अमाइन वाटर के साथ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब ये प्राथमिक अमीन है ना बच्चों, RNH2 लिखा है ना, 1 डिग्री अमाइन है, प्राथमिक अमीन है, तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, प्राथमिक अमीन व जल में, प्राथमिक अमीन व जल में अंतराणु हाइड्रोजन बंध। ठीक, प्राथमिक अमीन व जल में अंतराणु हाइड्रोजन बंध, तो हम कहेंगे भाई ये घुल जाएगा,
है ना, क्यों घुलेगा? तो देखो, एक अमीन एक वाटर, फिर एक अमीन एक वाटर, तो एक एक कैसे हुआ? मिक्स हुआ तभी तो हुआ। एक अमीन है, एक पानी है, फिर एक अमीन है, फिर पानी है, तो मिक्स हुआ तभी तो हुआ, अदरवाइज कैसे होता, है ना? तो हम कहेंगे प्राथमिक अमीन जल में काफी सोल्यूबल है, विलेय है, क्योंकि ये जल के साथ अंतरणु हाइड्रोजन बंध बनाता है। ठीक, तो अब हम सेकेंडरी अमाइन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो सेकेंडरी अमाइन में मैं ले लेती हूँ आर एन एच आर, आर एन एच आर, तो हम नाइट्रोजन को हाईलाइट कर लेते, और जल में हो गया एच ओ एच। ठीक है, यहाँ हम हाइड्रोजन को हाईलाइट कर लेते, फिर आर एन एच आर, ये नाइट्रोजन और वाटर में ही। ठीक है, तो बच्चों इनमें भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, देखें, है ना? ये नाइट्रोजन नेगेटिव, जल का हाइड्रोजन पॉजिटिव, फिर जल का ऑक्सीजन नेगेटिव, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन ये सेकेंडरी अमाइन है कि नहीं? द्वितीयक अमाइन और जल, तो हम कहेंगे हाँ भाई, ये भी पॉसिबिलिटी है कि सेकेंडरी अमाइन द्वितीयक एमीन व जल में अंतरणु हाइड्रोजन बंध होगा, द्वितीयक एमीन और जल। ठीक है, इनमें क्या है? तो बच्चों इनमें अंतरणु हाइड्रोजन बंध होगा। ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो भाई 2 डिग्री अमीन, तो हम कहेंगे ये भी घुल जाए 3 डिग्री। तो देखो, पहली ऐसी कोई धारणा मत बनाना कि 3 डिग्री अमीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, बनाएगा, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन नेगेटिव है। आपके पास 2 तरीके थे ना, आपने अमाइन का नाइट्रोजन लिया, पानी का एच लिया, अमाइन का हाइड्रोजन लिया और पानी का ऑक्सीजन ले लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड तो दोनों में था, ओ एच वाला भी हाइड्रोजन बॉन्ड था, देखो ये ओ और एच, भाई पानी का ऑक्सीजन, अमाइन का हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड तो है ना, और अमाइन का नाइट्रोजन, पानी का हाइड्रोजन तो है। ठीक है, तो यहां मुझे दोनों पॉसिबिलिटी मिली। टर्शरी में कई बुक्स में लिखा भी है कि भाई टर्शरी में एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, तो क्या ये एक्टिव हाइड्रोजन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था? सोचो, हम कहेंगे नहीं, इसमें तो नाइट्रोजन भी था। ठीक है, ये मैं मान सकती हूँ कि भाई 3 डिग्री अमाइन में 3 एल्किल समूह है ना, एल्किल समूह है जो कि जल विरोधी है, हाइड्रोफोबिक होता है, तो सॉल्युबिलिटी उनकी वजह से थोड़ी कम हो जाती। अब ये धीरे धीरे सॉल्युबिलिटी तो कम होगी, सही? देखो यहाँ 2 एक्टिव हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंट, सामर्थ्य ज्यादा, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा, ज्यादा घुले। यहाँ हम कहेंगे ये कि हाइड्रोजन एक्टिव है, ठीक है, तो थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो गया तो थोड़ा कम घुलेगा। तो 3 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्ड तो है, पार्शियली सोल्यूबल भी हो जाएगा, लेकिन हाँ, तीन तीन एल्किल समूह है जो कि जल विरोधी है, और मैथिल है तो छोड़ो, एथिल है तो और भारी हो गया, है ना? तो हाँ, उस समय हम मान सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा है, तो लीस्ट सोल्यूबिलिटी होगी। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बनेगा। पानी का अमाइन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, चाहे वो 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, है ना? एक दो बुक्स में पढ़ा भी है, थोड़ा गलत लिखा हुआ, थोड़ा आप ध्यान रखेंगे इसको, कोई तकलीफ नहीं। अब जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता है, अणु भार बढ़ता है, भाई मैथिल अमीन के बाद एथिल अमीन ले लो, प्रोपिल अमीन ले लो, ले 1 डिग्री, तो 1 डिग्री अच्छा खासा घुल रहा था, लेकिन जैसे जैसे अणु भार बढ़ेगा, तो हम कहेंगे मैथिल एथिल प्रोपिल, अणु भार बढ़ने से हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ेगा। हाइड्रोकार्बन भाग जल विरोधी होता है, मतलब जल में विलयता को घटाता है, तो मोलर मास बढ़ेगा, वाटर सॉल्युबिलिटी तो हम कहेंगे घट जाएगी, सीधी बात है। ठीक है, तो अमाइंस की सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करते हैं बच्चों। सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइंस, तो हम कहेंगे देखो, अमाइन में एक्टिव हाइड्रोजन है, इस कारण ये पानी के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसलिए अमाइंस वाटर सॉल्युबल है, भाई एक्टिव हाइड्रोजन तो है ही सही, है ना? और नहीं है तो भी कोई बात नहीं, नाइट्रोजन नेगेटिव है, पानी में हाइड्रोजन पॉजिटिव है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड अमाइन पानी के साथ बनाएगा। ठीक है, जैसे जैसे अमाइन का अणु भार बढ़ेगा, जल विरोधी भाग यानी एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा और जल में विलयता घटेगी, समझे ना? क्यों? जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ेगा, मेथिल एथिल प्रोपिल, तो हाइड्रोकार्बन भाग हाइड्रोफोबिक होता है, जल विरोधी होता है, जल से दूर भागता है, तो पानी को प्यार करोगे तो पानी में घुलोगे ना, पानी से दूर भागोगे तो फिर घुलोगे कैसे? आई बात समझ में? तो हम कहेंगे कि भाई अमाइन की जो सॉल्युबिलिटी है ना, उच्चतर अमाइन जो है वो वाटर इनसॉल्युबल ही होते हैं। यानी अगर मैं तुम्हें कहूं कि जल में विलयता बताओ, तो बच्चे जल में विलयता 2 तरीके से बताओगे। सबसे ज्यादा तो तुम कहोगे प्राथमिक अमीन घुलेगा, है ना? 1 डिग्री अमीन, प्राथमिक अमीन की सॉल्युबिलिटी पानी में सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद तो हम कहेंगे 2 डिग्री अमीन,
और उसके बाद तो हम गएंगे 3 डिग्री ऑन। ये बात तो है क्योंकि हाइड्रोजन बंध का सामर्थ्य 1 डिग्री में सबसे ज्यादा है, 2 में कम है और 3 में लीस्ट है ना। मतलब अगर एग्जाम में आ गया कि भाई मैथिल अमीन ज्यादा घुलेगा कि डाई मैथिल अमीन ज्यादा घुलेगा कि ट्राई मैथिल अमीन ज्यादा घुलेगा, क्या ज्यादा घुलेगा, मैथिल अमीन, डाई मैथिल अमीन, ट्राई मैथिल अमीन, तो हम कहेंगे सबसे पहले तो ये घुलेगा क्योंकि ये 1 डिग्री, फिर ये घुलेगा ये 2 डिग्री है, फिर ये लीस्ट हो जाए। ठीक है, एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। और दूसरा बच्चों तो हम कहेंगे कि अणु भार के हिसाब से बता रहे ना, तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि देखो मैथिल अमीन है, उसके बाद में एथिल अमीन है, उसके बाद में प्रोपिल अमीन है, मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन और प्रोपाइल अमाइन, अब बोलो सॉल्युबिलिटी। तो बच्चों जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट जल विरोधी भाग बढ़ेगा, जल में विलेयता घटेगी, सीधी सी बात है। तो आपको बताना है वाटर सॉल्युबिलिटी है यहाँ पे भी, है ना। तो हम कहेंगे मैथिल अमीन सर्वाधिक मिले, फिर एथिल अमीन और फिर हो जाएगा प्रोपिल अमीन। ठीक है, तो ये है अमीन की जल में विलेयता। अब बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताओ, तो मुझे बताओ कि अमीन पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो आपस में भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, है ना। उसमें हम क्या सोच सकते हैं, अमीन अगर जल में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो अमीन के अणु आपस में भी क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। उसमें क्या सोचे, ठीक है, लाइक मान लो 1 डिग्री अमीन है ना। अगर मैं तुम्हें कहूं कि बच्चों प्राथमिक अमीन है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड चेक करो, तो प्राथमिक एमीन में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, ठीक है, प्राथमिक एमीन में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। तो बच्चे 1 डिग्री अमीन ले लिया मैंने, आर एन एच टू, ठीक है, तो हम कहेंगे भाई इसका तो नाइट्रोजन हो गया आंशिक विद्युत ऋण, फिर ये भी 1 डिग्री अमीन ले लेते हैं हम, आर एन एच टू, है ना, इसका हाइड्रोजन हो गया, फिर ये नाइट्रोजन, फिर ये कुछ ऐसा। ठीक है, तो मुझे बताओ ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, और तो प्राथमिक अमीन में अमीन 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 आपस में क्या करते, अंतराणु हाइड्रोजन बंध बनाते। अब हाइड्रोजन बंध है तो ऑब्वियसली अणु पास पास में आ गए, आणविक संघनन, हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होता है, अणु जुड़ते हैं, संगुणित होते हैं, एसोसिएट होते हैं। अब अगर अणु जुड़ गए, इसका मतलब तो हम कहेंगे अगर अणु जुड़ गए, अणुओं में आणविक संगुणन हो गया, तो बच्चों आणविक संगुणन के कारण क्या होगा, तो हम कहेंगे आणविक संगुणन के कारण बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा। मैं इसको हल्का सा भी गर्म करूंगी तो ये बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो अब तुम दिमाग लगाओ कि 2 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है क्या। ठीक है, तो नेक्स्ट है बच्चों द्वितीयक एमीन में हाइड्रोजन बंध। नेक्स्ट है द्वितीयक एमीन में हाइड्रोजन बंध। सोचो क्या 2 डिग्री एमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, द्वितीयक एमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, तो हम लेंगे बना लेते हैं भाई 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन होता है आर एन एच आर, ठीक है, एक्टिव हाइड्रोजन तो है, तो इसका हाइड्रोजन एक्टिव, नाइट्रोजन भी एक्टिव, ठीक है, फिर नाइट्रोजन, ये पॉजिटिव। तो बच्चों हम कहेंगे कि हाँ 2 डिग्री अमीन में देखो ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं, ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं, और ये आगे। तो 2 डिग्री अमीन में भी सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित होने के कारण इनमें अंतराणु हाइड्रोजन बंध पॉसिबल है। अब अगर अंतराणु हाइड्रोजन बंध पॉसिबल है तो अणु पास पास आ जाएगी, आणविक संगुणन होगा, और आणविक संगुणन होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब क्या आप टर्शरी अमीन में सोचेंगे, तो हम कहेंगे टर्शरी में तो कैसे बनाए, आर थ्री एन, है ना बच्चों। तो हम कहेंगे नहीं, यहां तो मुझे कोई एक्टिव हाइड्रोजन नजर नहीं आ रहा, नो एक्टिव हाइड्रोजन। सक्रिय हाइड्रोजन का मतलब तो समझते हो ना,
सक्रिय हाइड्रोजन मतलब जब हाइड्रोजन किसी विद्युत उच्च विद्युत ऋणी तत्व से जुड़ा हो, है ना, जैसे हाइड्रोजन एफ से जुड़ा है फ्लोरीन से, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, पक्का है, तो फ्लोरीन माइनस हाइड्रोजन प्लस। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है ना, तो ओ माइनस हाइड्रोजन प्लस। और हाइड्रोजन नाइट्रोजन से भी जुड़ा है तो भी हाइड्रोजन प्लस, है ना। तो जब हाइड्रोजन फोन एफ ओ एन से जुड़ा है तो फिर वो सक्रिय हाइड्रोजन है, वो आंशिक रूप से पॉजिटिव है ना, एफ ओ एन, तीन विद्युत ऋणी तत्व है, ठीक है। तो हम कहेंगे यहां तो हाइड्रोजन ही नहीं है पहली बात, है ना, तो बच्चों नो हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन लाओगे तो हाइड्रोजन बंध बनाओगे ना, ठीक है, पानी के साथ चल गया था क्योंकि पानी में एक्टिव हाइड्रोजन था, आप विद्युत ऋणी तत्व ले आओ तब भी बन जाता, तो हम कहेंगे ओके, है ना। तो यहाँ एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन बंध नहीं बनेगा, और हाइड्रोजन बंध नहीं बनेगा तो बात खत्म, है ना। तो हम कहेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होगा, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अमाइन, तो बच्चों प्राथमिक और द्वितीयक अमीन में सक्रिय हाइड्रोजन होने के कारण ये परस्पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से अणु पास पास आ जाते हैं, अणुओं में संगुणन होता है। अब संगुणन होने के कारण इनके गुणांक जो है वो उच्च हो जाते हैं। अब प्राथमिक अमीन में सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा है। हम कहेंगे प्राथमिक अमीन NH2 है, एक्टिव हाइड्रोजन दो है, टू डिग्री में एक ही एक्टिव हाइड्रोजन है और थ्री डिग्री में है ही नहीं। तो प्राथमिक एमीन में सक्रिय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होने के कारण इनमें प्रबल आणविक संगुणन होता है, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बंधों की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है। अब बच्चों एमीन्स का क्वथनांक अणु भार बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा। मान लो अब आपने ये तो कह दिया कि भाई एमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर लिखो, तो हम कहेंगे 1 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। लेकिन 1 डिग्री में सबसे ज्यादा किसका, तो मुझे बताओ, अब आप क्वथनांक की बात कर रहे हो ना, विलयता की नहीं कर रहे थे। विलयता में तो क्या हुआ था कि मैथिल से एथिल जाओगे और एथिल से प्रोपिल जाओगे तो जल विरोधी भाग बढ़ रहा था, विलयता घट रही थी। लेकिन यहाँ विलयता की तो बात ही नहीं हो रही ना, यहाँ बात हो रही है बॉइलिंग पॉइंट की। तो बच्चों जैसे जैसे अणु भार बढ़ता है तो तुम मुझे एक चीज बताओ, जो चीज भारी है उसको उड़ाओगे कैसे? हल्का होगा तो फट से उड़ जाएगा, जो चीज भारी है वो तो उड़ने से नहीं। तो जैसे जैसे अणु भार बढ़ता है वैसे वैसे क्वथनांक बढ़ता है। प्रोपिल अमीन सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, एथिल अमीन और मैथिल अमीन जो हो जाएगा ना वो लीस्ट हो जाए, कारण समझे, सर्वाधिक अणु भार होगा, सर्वाधिक अणु भार होने से क्या होगा, भारी हो गया, भारी होने से हम कहेंगे कि इसको उड़ाना, इसको गैस में कन्वर्ट करना, वाष्प में बदलना थोड़ा मुश्किल है ना। तो वैसे भी क्वथनांक जो होता है, कभी भी तुम पढ़ो, है ना, बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो क्वथनांक अणु भार के समानुपाती होता है, ठीक है। और शाखा के तो हम कहेंगे व्युत्क्रमानुपाती। क्वथनांक और शाखा में क्या रिलेशन है, तो शाखा के अणु भार क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है ना। मतलब यहीं पे अगर वो ब्रांचिंग कर देता है ना, मतलब नॉर्मल ब्यूटिल अमीन और आइसोब्यूटिल अमीन, तो तुम कहोगे आइसोब्यूटिल तो शाखा वाले, शाखा वाले में अणु भार भले ही समान है दोनों का, लेकिन शाखा बढ़ने से क्वथनांक घट जाता है क्योंकि अणु गोल हो जाता है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब वैसे बताएं क्वथनांक का क्रम, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्वथनांक का क्रम बताइए, है ना, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई देखो मैथिल अमीन है, ठीक है, डाई मैथिल अमीन है, है ना, और ट्राई मैथिल अमीन है, ठीक है, तो क्या यहाँ अणु भार देखा जाएगा, है ना। सोचो मैथिल अमीन है, डाई मैथिल अमीन है और ट्राई मैथिल अमीन है, तो अब इसमें तुम क्वथनांक का क्रम क्या बताओगे, क्या तुम इसमें अणु भार वाला दिमाग लगाओगे कि इसमें तुम सोचोगे हाइड्रोजन बॉन्ड से आंसर दो, है ना, ये सोच के तुम्हें बताना है, सोचो क्या आंसर होना चाहिए। बोलेगी बोलेगी कैसे, रिकॉर्डेड है ना। तो बच्चे हुआ क्या,
देखो मैथिल अमीन, डाई मैथिल अमीन और ट्राई मैथिल अमीन, एक तुम एग्जाम्पल ही दे देती हूँ, दूसरा मैं कुछ ऐसा कर लेती हूँ ताकि तुम्हारा थोड़ा कॉन्सेप्ट बन जाए, फिर तो परेशान हो जाओगे। देखो एक और ऑर्डर लिख देती हूँ, सी फोर एच नाइन, हाँ सी फोर एच नाइन एन एच टू, फिर लिख देती हूँ सी टू एच फाइव होल टू, सी टू एच फाइव होल टू, और एक लिख देती हूँ इस तरह से सी एस थ्री सी एस थ्री सी टू एच फाइव। ठीक है, ये अब बताना है आपको क्रम। अब देखो वैसे ही वन डिग्री है, ये टू डिग्री है, ये थ्री डिग्री है, लेकिन ये भारी है ना बहुत, है ना। वैसे तो एक्टिव हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो उतना ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, लेकिन वो कंपेयर तो तब करेंगे ना जब अणु भार समान हो। अणु भार अलग अलग होंगे तो कंपेयर कैसे होगा? पहली बात तो अणु भार, अणु भार अगर ज्यादा है, चीज भारी है, तो फिर मैं कहूंगी भारी वाला, तो आप कैसे कह सकते हो कि जो भारी है उसका उतना कम है? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैं जो कंपेरिजन करूंगी हाइड्रोजन बॉन्ड वाला, वो जनरली सेम मोलर मास, देखो यहाँ पे भी चार कार्बन, वहां पे भी चार कार्बन, यहाँ पे भी चार कार्बन, अब चारों कार्बन मतलब सब में चार चार कार्बन है और अमाइन है, यानी अणु भार समान है। अब कंपेयर करेंगे बच्चों, तो हम कहेंगे अब वन डिग्री का ज्यादा होगा, फिर टू डिग्री का, और फिर थ्री डिग्री का, समझे ना। सबसे ज्यादा अणु भार इसका हो, अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं और इसको सी, तो हम कहेंगे अणु भार समान है, लेकिन प्राथमिक एमीन का बॉइलिंग पॉइंट सेकेंड से ज्यादा है और टू डिग्री का थ्री डिग्री से ज्यादा है। और अगर मैं यहां कंपेयर करूं तो बच्चे ये वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री जरूर है, लेकिन क्या आप इसमें देख रहे हैं अणु भार? यहाँ देखो अणु भार किसका है, तो हम कहेंगे यहाँ तो अणु भार सिर्फ मैथिल का है, वहां देखो अणु भार किसका है, तो बच्चे वहां अणु भार आपको किसका मिल रहा है? डाई मैथिल का मिल रहा है, दो मैथिल का मिल रहा है ना। और लास्ट में जाएंगे तो अणु भार किसका मिल रहा है, तो हम कहेंगे अणु भार मिल रहा है ट्राई का। ओके, तो एक बार मैंने डेटा चेक कर लिया, मेरे को लगा कुछ गड़बड़ ना हो। तो बच्चों अगर सेम मोलर मास है तब तो कोई लड़ाई नहीं है, अणु भार समान है तब तो हम बोलेंगे प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा, आफ्टर दैट सेकेंडरी का, और उसके बाद टर्शियरी का। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो थोड़ा कंफ्यूजन तो बनता है ना, क्योंकि ये वन डिग्री है तो मैं लेंगे इसके हाइड्रोजन बॉन्ड तो सबसे ज्यादा होंगे, ये टू डिग्री और ये थ्री डिग्री है, लेकिन फिर हम वेट वाली भी तो बात करेंगे, अणु भार ज्यादा है तो वो चीज ज्यादा डोमिनेंट है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट तब लगेगा जब अणु भार समान है। अब बोलो है ना, अगर मैं तुम्हें दो कार्बन वाला अमाइन दे दूं और दो कार्बन वाला अल्कोहल भी दे दूं, अब अणु भार समान होगा तो मैं कंपेयर करूंगी ना, अणु भार समान नहीं होगा तो कैसे कंपेयर करूंगी? ठीक है, तो वैसे के वैसे यहाँ अणु भार समान था तब तो मेरा आंसर फिक्स था, वन डिग्री ग्रेटर देन टू डिग्री ग्रेटर देन थ्री डिग्री। लेकिन जब हम इसका डेटा चेक करते हैं तो बच्चों इसका बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है माइनस का 6.3, तो तुम देखो बहुत ही कम हो गया, माइनस का 6.3 मतलब साधारण तौर पर आपको गैस मिलेगा, हालांकि हमने पढ़ा था शुरू के अमाइन जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं और उसके बाद में क्या होते हैं सॉलिड होते हैं, लेकिन मैथिल अमीन जो है तो बॉइलिंग ही माइनस 6.3 पे हो रहा है, मतलब सामान्य ताप पे ही क्या होगा, तो हम कहेंगे गैस होगा। सिमिलरली अगर मैं डाई मिथाइल अमाइन की बात करूं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 7 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे ये भी क्या होगा, तो हम कहेंगे ये भी गैस होगा। लेकिन ट्राई मिथाइल अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट जो है बच्चों ये है 89.28 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये थोड़ा क्या होगा, तो हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा है इसका, है ना। तो ये लिक्विड हो सकता है सॉलिड हो सकता है, लेकिन ये गैस तो नहीं है नॉर्मल टेम्परेचर पे, क्योंकि 90 डिग्री के आसपास टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब मुझे ऑर्डर बताना है, तो अब हम अपना आंसर कैसे देंगे, तो हम कहेंगे अणु भार, अणु भार ट्राई मिथाइल अमाइन का सबसे ज्यादा है, फिर डाई का ज्यादा है, और फिर किसका है, मिथाइल का अणु भार कम है, तो भले ही 1 डिग्री है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। ठीक है, तो भौतिक अवस्था में भी हम थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट बना लेंगे बॉइलिंग पॉइंट को देखते हुए के 3 कार्बन तक की प्राइमरी अमाइन गैस हो सकती है, लेकिन भाई अगर हम शुरू में बात करें कि मैथिल अमीन लिक्विड है, सॉरी मैथिल अमीन आपका गैस है और एथिल अमीन जो है वो भी गैस है, मैथिल अमीन गैस है, एथिल अमीन गैस है, उसके बाद में है ना क्या होगा, तीन कार्बन वाली जो भी अमाइन है वो क्या होंगे, हम प्राइमरी नहीं लिखते, ठीक है, 2 डिग्री 3 डिग्री लिखेंगे तो फिर चल जाएगा, है ना, वो क्या होगी, तो हम कहेंगे लिक्विड और उसके बाद वाली क्या हो जाएंगी, सॉलिड हो जाएंगी। ठीक है, एक पॉइंट और जो हमें डिस्कस करना था बच्चों, कंपेयर आपसे जरूर पूछा जाएगा कि भाई अमाइंस वाटर सॉल्युबल है, तो हम कहेंगे नहीं, जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ेगा वैसे वैसे अमाइन जो है उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि हाइड्रोकार्बन भाग जल विरोधी होता है। सिमिलरली कार्बनिक विलायकों, यानी अगर आपसे कहे अमाइन अल्कोहल में घुलेगी क्या,
बेंजीन में घुलेगी, ईथर में घुलेगी, तो हम कहेंगे हाँ इसमें आसानी से घुल जाएगी। अमाइंस जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, बेंजीन, ईथर में मिक्स हो जाती है, इसमें कोई टेंशन नहीं। अब आपसे पूछे कि भाई देखो अमाइन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है और है ना अल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो कंपेयर करो, तो अणु भार जब तक समान नहीं होगा कंपेयर नहीं होगा, है ना। तो हम कहेंगे अमाइन का क्वथनांक लगभग समान अणु भार वाले अल्कोहल से कम। क्यों कम है? तो बच्चों अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध बन रहा है ऑक्सीजन के थ्रू, है ना, और अमाइन में हाइड्रोजन बंध बन रहा है किसके थ्रू? तो हम कहेंगे नाइट्रोजन के थ्रू। तो अब तुम बताओगे ज्यादा विद्युत ऋणी कौन? तो ज्यादा विद्युत ऋणी ऑक्सीजन, है ना। तो इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो ज्यादा प्रबल होगा और अधिक विद्युत ऋणी, तो हाइड्रोजन बंध सामर्थ्य मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहां तो हम कहेंगे कम विद्युत ऋणी है। तो भाई अगर ये कम विद्युत ऋणी है तो इसका हाइड्रोजन बंध क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा, प्रबल नहीं होगा, इसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा दुर्बल होगा, ठीक है। तो भाई अमाइन का क्वथनांक समान अणु भार वाले अल्कोहल से कम है क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन परमाणु की उच्च विद्युत ऋणता के कारण इसमें अंतरणु हाइड्रोजन बंध अमीन की तुलना में क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। इसलिए अमाइन के हाइड्रोजन बॉन्ड कंपैरेटिवली अल्कोहल से क्या है? थोड़े से दुर्बल है। तो बॉइलिंग पॉइंट समान अणु भार, है ना, एथिल अल्कोहल और एथिल अमीन लगभग समान ले सकते हो, है ना। 19-20 का फर्क है तो चलेगा, एक भाई 25 है और 30 है तो चल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे अच्छा लगभग समान अणु भार वाला होगा तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, अमाइन का कम है, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल बहुत ही गुड थे, फिजिकल प्रॉपर्टी थी जो आपको ध्यान में होनी चाहिए, बिल्कुल रट के तो नहीं जाना है, है ना। आपको थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई ऐसा क्या है कि प्राथमिक अमीन का क्वथनांक समान अणु भार वाले द्वितीयक से ज्यादा है, है ना। तो आप बताओ प्राथमिक अमीन में दो एक्टिव हाइड्रोजन है, द्वितीयक में बेचारे के पास एक ही एक्टिव हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बंध ज्यादा होगा। जितने ज्यादा हाइड्रोजन बंध बनाएगा संगुणन ज्यादा होगा, संगुणन मतलब मिक्सिंग, है ना, अमीन्स का मिक्स होना, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। अमाइन वाटर सॉल्यूबल है, समान अणु भार वाले अमाइन है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बता दो, विलयता का क्रम बता दो, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम आराम से बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अमाइन की फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट। हम मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।